देश की राजधानी दिल्ली में श्रद्धा हत्या जैसी एक और बड़ी घटना सामने आई है। युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या कर शव को अपने ढाबे के फ्रिज में रख दिया। इसके बाद मंठोड़ी गांव झज्जर में बारात ले जाकर दूसरी लड़की से विवाह कर लिया। 24 वर्षीय आरोपी साहिल गहलोत प्रेमिका के शव को ठिकाने लगा था। उससे पहले ही दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा की टीम ने उसे एक सूचना के बाद उसके मित्राओं गांव से गिरफ्तार कर लिया। मामले में युवती के परिजनों और अन्य किसी ने पुलिस में किसी शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। साहिल और मृतक युवती निक्की यादव पिछले 2 वर्षों से सहमति संबंधों में थे। साहिल अपने परिजनों के दबाव में दूसरी लड़की से शादी कर रहा, जबकि निक्की यादव उससे शादी करना चाहती थी। शादी करने की जिद करने पर निक्की को मार डाला। पुलिस की जांच में यह बात सामने आई है कि साहिल ने निक्की से प्यार करने वाली बात अपने घर वालों को नहीं बताई थी। दूसरी तरफ साहिल के परिजन उस पर दूसरी लड़की से शादी करने का दबाव बनाने लगे। आखिरकार दिसंबर 2022 में साहिल की दूसरी लड़की से मंगनी कर दी गई। 9 फरवरी को साहिल की शादी तय हो गई और यह बात आरोपी ने निक्की को नहीं बताई थी। किसी तरह निक्की को यह बात पता लग गई, वह साहिल से शादी करने की जिद करने लगी। ऐसे में साहिल ने डाटा केबल से निक्की का गला घोटकर हत्या कर दिया। शव को ढाबे के फ्रिज में रखकर अपने घर चला गया और 11 फरवरी को झज्जर बारात ले जाकर दूसरी लड़की से शादी कर ली। पुलिस ने निक्की के शव को फ्रिज से बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि 4 वर्ष पहले कोचिंग सेंटर में दोनों की मुलाकात हुई थी। पुलिस को साहिल ने बताया कि वह जनवरी 2018 में उत्तम नगर स्थित कैरियर पॉइंट कोचिंग सेंटर में SSC परीक्षाओं की कोचिंग लेने गया था। उसी समय झज्जर निवासी निक्की यादव उत्तम नगर स्थित आकाश इंस्टीट्यूट में मेडिकल प्रवेश परीक्षा की कोचिंग ले रही थी। ये दोनों एक ही बस से रोज साथ जाते थे। इसी कारण दोनों के बीच दोस्ती हो गई, दोनों के बीच जल्द ही प्यार हो गया। कोचिंग से पहले वह बाद में मिलना जुलना भी शुरू हो गया। फरवरी 2018 में साहिल ने ग्रेटर नोएडा स्थित गलगोटिया कॉलेज में ही डी फार्मा में दाखिल ले लिया। साहिल ने ग्रेटर नोएडा में दाखिला लेने के बाद निक्की ने भी इसी कॉलेज में BA अंग्रेजी ऑनर्स में दाखिला ले लिया। इसके बाद दोनों ने यही किराए के मकान में सहमति संबंध में रहना शुरू कर दिए। दोनों मनाली, ऋषिकेश, हरिद्वार व देहरादून आदि जगह साथ घूमने गए। कोरोना काल में दोनों अपने अपने घर चले गए थे। कोरोना खत्म होने के बाद दोनों ने सेक्टर 23 द्वारका में फिर सहमति संबंध में रहना शुरू कर दिया। यहाँ ये 8 से 10 महीने रहे। 4 माह से निक्की उत्तम नगर में रह रही थी।